नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो वचायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम जिन स्वानुभूति आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसकी चर्चा हमने अनेक दिनों पहले प्रारंभ की है। लगभग 10 दिन हो चुके हैं। बहुत सुंदर चर्चा है और बहुत सुंदर प्रकरण है। पहले ही पेज पर अंतिम पंक्तियों में पंडित जी साहब ने स्वयं इस प्रकार का प्रश्न उठाया, स्वयं इस प्रकार की बात कही कि अब हम स्वानुभव का स्वरूप कहते हैं। स्व माने आत्मा और अनुभव, तो स्वानुभव कहें या आत्मा का अनुभव कहें, ये कोई दो अलग अलग चीज थोड़ी ना है। स्वानुभव का स्वरूप माने आत्मा के अनुभव का स्वरूप, एक ही बात है, ये स्वरूप कहते हैं। और आत्मा के अनुभव का स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने चर्चा की, सम्यक दर्शन की। तो इसका क्या मतलब निकला कि आत्मा का अनुभव या स्वानुभव सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। आत्मा के अनुभव का संबंध सम्यक दर्शन से है। और कौन सा सम्यक दर्शन? तो सम्यक दर्शन का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। निरूपण दो प्रकार से, सम्यक दर्शन के प्रकार नहीं, ये उपशम सम्यक दर्शन, छे उपशम सम्यक दर्शन, साई सम्यक दर्शन, वो अलग मैटर है। ऐसे कहें निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसे दो सम्यक दर्शन नहीं है। जब सम्यक दर्शन का यथार्थ निरूपण किया जाता है तो वो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। और जो वास्तव में सम्यक दर्शन तो ना हो क्या, लेकिन जिसे कथन मात्र में सम्यक दर्शन कहा जाए वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन सच्चा सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन जिनके जीवन में निश्चय सम्यक दर्शन होता है उनके जीवन में व्यवहार सम्यक दर्शन भी होता ही होता है। क्या है निश्चय सम्यक दर्शन और क्या है व्यवहार सम्यक दर्शन? कल यहाँ इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। पहले से मिथ्यात्व की व्याख्या की, फिर कहा जिस काल में जीव के दर्शन मोहनी कर्म का उपशम क्षय उपशम हो, सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। देव गुरु धर्म का श्रद्धान हो, बोले व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या कहलाएगा? निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहें? तो उसकी व्याख्या करते हुए कहा अपने आत्मा का श्रद्धान, स्व पर श्रद्धान पूर्वक जब अपने आत्मा का श्रद्धान होता है तो निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। और ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन के बिना यदि कोई जीव बाहर में स्व पर का श्रद्धान तो करे नहीं, माने निश्चय श्रद्धान तो हो नहीं, और देव गुरु धर्म को मानता हो, झूठे को नहीं सच्चे को, सच्चे देव गुरु धर्म को मानता हो और अन्य मत में कहे हुए देवादिक को नहीं मानता हो और तत्वों को भी नहीं मानता हो अन्य मत वालों को, तो इस प्रकार जिस जीव के जीवन में केवल व्यवहार सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। देखो आप 342 पेज पर पहली लाइन में क्या लिखा,
वो जीव सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता, माने उस जीव को हम सम्यक्त्वी नहीं कहते। देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, सच्चा श्रद्धान है, सच्चे को ही मानता है, झूठों को नहीं मानता है, उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं, सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक जानना। देखिए भाई, बहुत सरल शब्दों में ये बात कह रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन ही सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। कोई व्यक्ति को निश्चय सम्यक दर्शन की तो खबर नहीं हो, आत्मश्रद्धान तो होवे नहीं, आत्मस्वरूप का भान होवे नहीं, और व्यवहार में भाई ये देवादिक की प्रतीति करके अपने आप को सम्यक दृष्टि समझे का भ्रम में धोखा हो रहा है उसे। ये व्यवहार सम्यक दर्शन वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है, ये सम्यक दर्शन का भ्रम है। और ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, इसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते भी नहीं। सच में तो व्यवहार सम्यक दर्शन वही कहलाएगा जो निश्चय सम्यक दर्शन के साथ में होगा, निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता, बिना निश्चय का व्यवहार व्यवहाराभास है। निश्चय मतलब समझिए ना, निश्चय मतलब आप लोग बोलते हैं कि नहीं, नक्की नहीं है अभी, निश्चय नहीं है अभी किसी चीज के बारे में पक्का है। निश्चय तो करो पहले, निश्चय तो करो, करना क्या है, अभी अभी निश्चय ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है। निश्चय निश्चित, निश्चित कार्य की या निश्चित वस्तु व्यवस्था की निश्चित स्वरूप की स्वीकृति का नाम है निश्चय। निश्चित है निश्चय, और निश्चय हो गया तो हम कहेंगे निश्चित हो गया। जिसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया, हम कहेंगे इसका मोक्ष जाना निश्चित हो गया, ये निश्चय कहलाएगा। और फिर उस निश्चय के साथ में जो भी व्यवहार होगा, उस व्यवहार को हम कहेंगे व्यवहार सम्यक दर्शन। जो भी व्यवहार होगा निश्चय साथ में होना चाहिए, लेकिन निश्चय हो नहीं और अकेला व्यवहार, तो व्यवहाराभास कहते हैं। ज्ञानियों के जीवन में निश्चय और व्यवहार दोनों साथ साथ में चलते हैं। निश्चय और व्यवहार की अद्भुत संधि है। निश्चय और व्यवहार ये दो नहीं है, देखने के एंगल दो हैं। जब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों को आत्म श्रद्धान की दृष्टि से देखा जाता है तो हम कहते हैं निश्चय सम्यक्त्व वाले हैं। और जब उन्हीं के जीवन में देवगुरु धर्म के श्रद्धान रूप प्रवृत्ति देखी जाती है तो हम कहते हैं व्यवहार सम्यक्त्व। इतना सा फर्क है। अब मूल नहीं हो तो ये किस काम का, बोले ये सब बेकार है। समझ में आ रही है ना बात। असली चीज निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये बात यहाँ स्पष्ट हुई। और यह बात भी स्पष्ट हुई कि उस निश्चय सम्यक दर्शन माने आत्मश्रद्धान में आत्मा की अनुभूति, स्वरूप अनुभव, आत्मा का अनुभव, ये सब गर्भित होता है। निश्चय के बाद व्यवहार नहीं, निश्चय के साथ व्यवहार चलता है। ऐसा नहीं है, निश्चय के पहले जो व्यवहार है वो कथन मात्र का व्यवहार है, सच्चा व्यवहार नहीं है। सच्चा व्यवहार भी उसके होगा जिसके निश्चय होगा। अच्छा, हम कहें कि हमारी लड़की की इनसे बात चल रही है क्या, तो अब उनको कमर साहब कहें कि नहीं कहें? निश्चय से तो नहीं कह सकते, व्यवहार से तो कह दें। अरे पहले तो व्यवहार से कह दो, निश्चय से बाद में कहेंगे। नहीं, पहले व्यवहार से कह दो, क्या फर्क पड़ गया? निश्चय से तो बाद में कहेंगे जब नक्की हो जाएगी। अभी भाई साहब ऐसा नहीं चलता है, पहले निश्चय करो क्या, पहले नक्की होगा और फिर उसके बाद में बोले फिर व्यवहार चलेगा। आप देखो, अभी पुत्री का विवाह नहीं हुआ, संबंध नहीं हुआ अभी, लेकिन निश्चय हो गया कि ये इनके साथ में विवाह करना
नक्की कर लिया, निश्चय हो गया, तो अब उनको कंवर साहब कहने का व्यवहार चल सकता है। समझ में आ रही है बात? जहां हमने नक्की कर लिया, अभी शादी नहीं हुई, अभी सात फेरे नहीं हुए, अभी दो चार महीने बाद में होगा, जब भी होगा, लेकिन निर्णय कर लिया, बात पक्की हो गई, तो अब व्यवहार चल सकता है कि नहीं? हमारे कंवर साहब है, चल सकता है व्यवहार? बिल्कुल चल सकता है। क्यों चल रहा है? निश्चय हो गया, इसलिए। निश्चय के बाद व्यवहार ही व्यवहार होता है सच्चा, बिना निश्चय के व्यवहार सच्चा व्यवहार होता ही नहीं है। कहने के लिए तुम कुछ भी कहते रहो। सुनो, देवगुरु धर्म की प्रवृत्ति, देवगुरु धर्म की पूजा भक्ति आराधना आदि का परिणाम, षट आवश्यकों के पालन की क्रियाएं, ये सब धर्म है कि नहीं है? व्यवहार धर्म है। लेकिन जिसको निश्चय धर्म नहीं हुआ उसको क्या व्यवहार धर्म कहें? जिन्हें आत्मा का श्रद्धान है, जिन्हें त्रिकाली रूप ज्ञाय भगवान आत्मा का भान है, उस आत्म श्रद्धान ज्ञान आचरण पूर्वक यदि बाहर में देवगुरु धर्म की पूजन भक्ति करता है तो व्यवहार से धर्म कहलाता है। लेकिन जिसके जीवन में निश्चय धर्म नहीं हो और ये कहे कि साहब व्यवहार से ही धर्म हो गया, तो व्यवहार धर्म किसी काम का नहीं है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन किसी काम का नहीं है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन बंधन का ही हेतु है, निर्जरा का कारण नहीं है। स्वर्गाधिक में चला जाएगा, पुण्य बांध लेगा, उत्तम गतियों की प्राप्ति हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा? ये जन्म जन्मांतरों के मल को छेदने में समर्थ नहीं है व्यवहार सम्यक दर्शन। इसलिए ये जो नियम बतलाया हमने यहां निश्चय पूर्वक व्यवहार का, ये नियम बिल्कुल 100% मान करके चलिए, बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। व्यवहार सच्चा तभी कहलाएगा जब निश्चय होगा, निश्चय पूर्वक ही होगा। बात यहाँ सम्यक दर्शन के संदर्भ में चल रही है। किसी भी बात के संदर्भ में निश्चय व्यवहार घटित किया जा सकता है। यथार्थ बात को कहते हैं निश्चय, और लगावटी मिलावटी है उपचरित बात, इधर उधर से कथन करना, ये कहलाता है व्यवहार। माने जो भी बात सच्ची होगी, खरी बात है, उसे हम कहेंगे निश्चय, ठीक है ना? और उसको हमने किसी दूसरे की अपेक्षा से कह दिया, बोले हो गया व्यवहार। पराश्रितो व्यवहार है, अमृतचंद्र स्वामी ने ऐसा कहा। आत्माश्रितो निश्चय है, स्वाश्रितो निश्चय है, पराश्रितो व्यवहार है। कहा ये चर्चा पढ़ी क्या आपने? तेरहवीं गाथा की टीका में कहां चर्चा ही? कौन से कथन को निश्चय कहें, कौन से कथन को व्यवहार कहें, बोलो। प्रारंभिक इन गाथाओं में जो 8, 9, 10, 11 ये जो गाथाएं हैं, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब गाथाओं में निश्चय व्यवहार शैली का बड़ा गजब से निरूपण किया। निश्चय ने किसका नाम, व्यवहार ने किसका नाम, क्या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की परिभाषा भी आई वहां। द्रव्यार्थिक किसे कहें, पर्यायार्थिक किसे कहें, माने नए विभाग से समझाया है शिष्य को, और आगे चलकर के कहा कि साहब व्यवहार नहीं तो झूठा होता है, यदि ऐसा कहेंगे तो फिर तीर्थंकरों की स्तुति तो व्यवहार से ही करते। आगे 25-26 नंबर गाथाओं में पहुंच करके फिर ऐसी बात कहेंगे, उसी समय सार ग्रंथ में चलता है ना शाम को, तो बोले ऐसा कहा कि साहब तीर्थंकर भगवान की स्तुति की, अरंत भगवान की स्तुति की, वास्तव में अरंत भगवान कौन है? तो बोले कहा सच में निश्चय से यदि देखा जाए तो अरंत परमात्मा कौन होंगे? जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हों वो निश्चय से अरंत भगवान है। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो गए हों वो वास्तव में अरहंत पना है, ठीक है ना? चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत है। अब उन अरंत भगवान को छत्र चमर भामंडल वाला देखना, उन भगवान को समविशरण वाला कहना, उन भगवान को परम औदारिक शरीर वाला कहना, बोलो ऐसा कह सकते हैं ना अपन? भगवान भगवान कैसे होते हैं? समविशरण देखकर गणधर भी हैरान है,
शांत छवि दिखाई दे रही है, उनकी मुद्रा दिखाई दे रही है, नखकेश नहीं बढ़ रहे, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है। ये जो तीर्थंकरों की महिमा गाई हमने, छत्र है, चंवर है, 64 चंवर ढुल रहे हैं, पीछे भावंडा लगा हुआ है, सर पे 3 छत्र है, कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, ये जो अनंतों का स्वरूप बतलाया, सच्चा है कि झूठा है? व्यवहार है, व्यवहार से है। और आपके लिए व्यवहार झूठा होता है? बोलो, अब ये व्यवहार यदि झूठा होता है तो फिर उनको अरहंतों की स्तुति सच्ची होगी कि नहीं होगी? फिर भक्ति करें कि नहीं करें? क्या कहना चाहते हो आप? पता क्या जवाब दिया कुनकुन स्वामी ने आगे 27वीं गाथा? तू नए विभाग नहीं जानता इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। देह चेतन एक है भाई साहब, ये व्यवहार का कथन है। निश्चय से देखो तो ये एक हो सकते नहीं। व्यवहार को झूठा जब कहा जाए तो समझना बिना निश्चय का व्यवहार झूठा है, और निश्चय सहित व्यवहार वो सच्चा है। अब उदाहरण दो, इसी जगह पर दूसरी बात घटित करो, यहीं पर इसी जगह पर तीर्थंकरों की स्तुति में ही समवचरण लगाए, कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, छत्र शमर भावंडल सब अतिशय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वीतराग का सर्वज्ञता नहीं है। पता है आपको कहाँ हुआ था ऐसा? रेवती रानी के सामने आ गया था क्या? अमूढ़ दृष्टि हमने प्रसिद्ध हुई रेवती रानी, ये क्या हुआ? ये सब व्यवहार तो है, कोई बात नहीं, निश्चय से उनको भगवान मत मानो, व्यवहार से मान लो। नहीं मानो? अरे सब कुछ व्यवहार है, ये चीज है, वही भगवान। जैसे आपके महावीर भगवान थे उसी तरह से ये 25वें तीर्थंकर का समवचरण लगा है, समवचरण बिल्कुल हूबहू है, स्वरूप बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, पीछे भामंडल भी दिखेगा, ऊपर छत्र भी दिखेंगे, चमर भी दिखाई देगा, सब कुछ हूबहू होगा। व्यवहार से तो मान लो उनको भगवान। जिनके जीवन में निश्चय नहीं है उनका व्यवहार सच्चा व्यवहार होता नहीं। सच्चा व्यवहार कब कहलाएगा? निश्चय के साथ में हो तो व्यवहार सच्चा, और निश्चय के बिना हो तो व्यवहार झूठा। ये तो निश्चय व्यवहार पढ़ो, नयों की चर्चा तो खबर लगे, अभी करेंगे यहाँ से जाने के बाद में क्लास लगेगी स्मारक में नए चक्र की। निश्चय व्यवहार शैली क्या चाहिए? अरे बड़ा गजब का स्वरूप बतलाया, 55-60-65 पेज के आसपास निश्चय व्यवहार के संदर्भ में कोई 5-7 पेजों में बादाम, बादाम की मींगी, छिलका आदि का उदाहरण देकर के जो चर्चा विस्तार से की है, असली बादाम कौन सा है और नकली बादाम कौन सा है? क्या निश्चय से तो वास्तव में जो गुली है उसकी मींगी जो अंदर है वही बादाम है, और व्यवहार से छिलके सहित को भी बादाम कह दिया जाता है। क्या अभी छिलके सहित में देखा हमने, छिलके को भी व्यवहार कह दिया, छिलके को भी हमने बादाम कह दिया, लेकिन कब? जब निश्चय साथ में है तब। गुली साथ में उसके अंदर की गोली साथ में ना हो क्या तो वो अकेला छिलका वो बादाम नाम नहीं प्राप्त करेगा। 1500 रुपए किलो का आप देखो, पैकिंग ही देख करके लाते हैं, बाजार से सब्जी खरीद करके लाते हैं, फल खरीद करके लाते हैं, ऐसे समझ लो आप बनाना जैसे है, और संतरा है, इस तरह के फल हो तो आप ऊपर से ही देख करके लाते हैं, पैकिंग ही देख करके लाते हैं, लेकिन ऊपर से तो पैकिंग हो वैसी की वैसी और अंदर संतरा नहीं हो क्या? तो बोलो कितना उसको आप पसंद करेंगे, लाना पसंद करेंगे? जिन दुकानों पर बच्चों के खिलौने मिलते हैं उन दुकानों पर इस तरह के नकली भी मिलते हैं फल, तो ऐसे जो नकली फल हो ना तो पैकिंग तो वैसी ही दिख रही है असली जैसी, उसी से बढ़िया, असली से भी बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर माल नहीं है, तो बोलो कितने पीस खरीद के लाओगे? कीमत ही नहीं, बिना निश्चय के व्यवहार की कीमत ही नहीं, झूठा है वो। अंदर मीगी नहीं हो तो छिलके की कीमत कितनी कि 2 रुपए किलो भी कोई लेने को तैयार नहीं हो, कोड़ियों के भाव भी नहीं बिके वो, और अंदर में यदि बादाम रखा हुआ है असली बादाम
तो वो छिलका भी क्या भाव बिकता है? छिलका छिलके सहित 1500 रुपए किलो बिकता है क्या? पता नहीं, मैंने तो खरीदा नहीं कभी। 1500 रुपए किलो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और छिलका नहीं हो, छिलका नहीं हो तो प्योर बादाम की क्या कीमत है? 2500 रुपए किलो। अब आप सोचो जरा क्या स्थिति है, छिलका साथ में है तो भी कीमत मिल रही है, छिलके को कीमत मिल रही है। छिलके को कीमत कब मिल रही है? जब बादाम साथ में है। और छिलके की कोई कीमत नहीं है कब? जब बादाम साथ में नहीं है असली। तो व्यवहार सम्यक दर्शन छिलका और निश्चय सम्यक दर्शन असली बादाम गुली उसकी। अब ये जो निश्चय सम्यक दर्शन है ये नहीं हो और व्यवहार सम्यक दर्शन माने छिलका हो तो क्या कीमत है उसकी? कचरा है वो, तो कीमत नहीं है उसकी। अनंत बार किया है भैया क्या, मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने है इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। धर्म ध्यान समझ रहा है इसको, खूब धर्म कर लिया हमने, खूब धर्म कर लिया, मंदिर चले गए, खूब पूजन कर ली, खूब भक्ति कर ली, नाच लिए, गा लिए, चमर लेकर के धूमधाम से, बहुत बहुत हो गया। अरे साहब, और आज के आनंद की मजा आ गया, क्या आनंद आ रहा है साहब, बहुत मजा आ रहा है। माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान? बोलो कैसे भगवान बनेगा? रमेश जी साहब का भजन है शायद, लवाण वालों का। कैसे भगवान बनेगा? कुछ पता ही नहीं है, कहाँ उलझा हुआ है, मतलब गलत चीज को सही समझ रहा है, व्यवहार को निश्चय समझ रहा है। इन्होंने स्पष्ट निर्देश कर दिया यहाँ, व्यवहार सम्यक्त्व सम्यक्त्व नाम नहीं पाता। पहली लाइन है, व्यवहार सम्यक्त्व को सम्यक्त्व नहीं कहते हम, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अरे कहने में तुम कुछ भी कहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कहने में क्या फर्क पड़ता है, कह दो ना साहब। कहने को तो हम आपको राजा साहब कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? खाओ साहब, राजा साहब, कंवर साहब, सेठ साहब, कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई, सच्चाई क्या है? गुण है या नहीं है, असली माल है या नहीं है? असली माल के बिना पैकिंग की कोई कीमत नहीं है, और माल अच्छा होगा तो पैकिंग तो होगी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सम्यक दृष्टि हो और उसके हृदय में देवगुरु धर्म की श्रद्धा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देवगुरु धर्म की श्रद्धा करे और असली सम्यक दर्शन हो, इस बात की गारंटी नहीं है भाई। हाँ, यदि स्वरूप समझ करके करेगा तो हम उसकी भी गारंटी लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति देवगुरु धर्म का स्वरूप समझकर उनका श्रद्धान करे और उनके श्रद्धान में जिसके जीवन में आत्म श्रद्धान गर्भित हो, तो फिर वो निश्चय सम्यक दृष्टि जीव है। अकेला व्यवहार, व्यवहार सम्यक्त नहीं, व्यवहाराभास कहलाता है। आपको ध्यान होगा पीछे हमने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ही 7वें अध्याय में व्यवहारावासियों का प्रकरण बहुत विस्तार से पढ़ा था। 4 भेद बतलाए थे व्यवहारावासियों के, आप सभी लोगों को याद भी कराए थे, लेकिन मुझे पता है किसी को याद नहीं होंगे। बस बस बोलते रहो, बस मन में कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारावासी, पहला कुल अपेक्षा, दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारावासी, तीसरा सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म करने वाला ऐसा व्यवहारावासी, और चौथा धर्म बुद्धि से धर्म करने वाला व्यवहारावासी। 4 प्रकार के व्यवहारावासी हैं, आवासी हैं जिन्हें भ्रम हो गया है। पहले कौन से? कुल अपेक्षा धर्म धारक। हम तो जैन है भाई साहब, हम तो इन्हीं भगवान को मानेंगे, हम तो इनको नहीं मानेंगे, सच्चे जैन है हम तो, बिल्कुल जैन ही है, जैन धर्म में तो ये कहा है, तो ये कुल अपेक्षा मानने वाला। हमारे पिताजी जाते थे प्रवचन सुनने के लिए, इसलिए हम भी जाएंगे, वो जाते थे इसलिए हम भी जाते हैं, अब वो नहीं जाते तो हमने जाना शुरू कर दिया, वो रहे नहीं तो वो हमने संभाल लिया, हमारे घर से तो चलता रहा है सभी कोई ना कोई। तो
ये परंपरा से नहीं है भाई साहब, धर्म परंपरा का नाम नहीं है, धर्म स्वपरीक्षित साधना है। स्वयं परीक्षा करके निर्णय करके अनुभव हुए तो धर्म प्रकट होगा। कुल अपेक्षा धर्म नहीं चलता है, देखा देखी धर्म नहीं चलता है। अरे संयोग से पूर्वकृत पुण्य के उदय से ऐसे सातावेदनी कर्म के उदय से तुमने जैन कुल में जन्म ले लिया तो अपने आप को जैन धर्म के अनुसार चलने वाला कहने लगे। यदि तुम्हारा जन्म कहीं हिंदू कुल में हो जाता मुस्लिम कुल में हो जाता तो तुम उसी धर्म को सच्चा कहने लगते। हर व्यक्ति जो जिस कुल में जन्म लेता है वो उस धर्म को सच्चा कहता है, अच्छा कहता है, बढ़िया कहता है, उसी को स्वीकार करता है, उसी को मानता है। और तुमने भी जैन कुल में जन्म लेकर के यदि जैन धर्म को ही माना तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, इससे धर्मात्मा नहीं होते। जैन धर्म सच्चा धर्म क्यों है? क्या जैन धर्म असली धर्म क्यों है? जैन धर्म अपनाने योग्य क्यों है? हमने जैन धर्म को स्वीकार किया है तो परीक्षा प्रधानी होकर के स्वीकार किया है, देखा देखी नहीं। हम जैन धर्म इसलिए नहीं मानते कि हमारे पिताजी जैन हैं, हम जैन धर्म इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें जचता है, हमें ये बात सच्ची लगती है, ये बात अपने लिए है, ये बात अपने प्रयोजन की दिखती है, इसलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं। देखा देखी का नाम धर्म थोड़ी ना होता है। ये भी ऐसे तो भीड़ चाल थोड़ी ना, यहाँ सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो अपन भी कर लो, सब माला का जाप कर रहे हैं अपन भी कर लो, सब पूजन कर रहे हैं अपन भी कर लो, सब भक्ति कर रहे हैं अपन भी कर लो, अपन भी धर्मात्मा हो जाएंगे। वो भी कर रहा है उपवास, मैं भी कर लेता हूँ साथ साथ में निप जाएगी दोनों जने, ठीक है। वो भी वंदना कर रहा है तो अपन भी कर लो साथ साथ में। अब देखो साथ साथ में तो हो ही जाता है सब, साथ साथ में धर्म हो जाता है। धर्म साथ साथ में नहीं होता, धर्म अकेले में होता है। जहाँ साथ की अपेक्षा हो वहां धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म में पराधीनता का काम नहीं है। ये बात मैंने इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रारंभिक पंक्तियों में समझाई है आप लोगों को, ध्यान है ना। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए, तुम्हारे किसी और के नहीं, कि मेरे साथ में आ जाओ तुम्हारे भी चिदानंद की वृद्धि हो जाएगी, सहजानंद की वृद्धि हो जाएगी। मेरे साथ में आ जाओ कि मैं तुम्हारे साथ में, कि अपन साथ बैठ करके करते हैं हो जाएगा। साथ बैठ करके चर्चा होती है, साथ बैठ करके विचार होता है, साथ बैठ करके निर्णय पर पहुंचने का प्रयास होता है, लेकिन निर्णय अकेले में होता है, निर्णय व्यक्तिगत होता है, निर्णय पर्सनल चीज है। निर्णय से धर्म होगा, चर्चा से नहीं होगा। खूब चर्चा करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं बतलाओ। और आपको ध्यान है ये चर्चा की परिस्थिति ये कहां तक है, शिवोपशम विशुद्धि और देशना तक, बस इससे आगे नहीं बढ़ पा रही गाड़ी। कैसे सम्यक दर्शन होगा, कर्ण लब्धि तक पहुंचानी है कि नहीं? शिवोपशम हो गया, विशुद्धि हो गई, देशना हो गया, अब कहां तक पहुंचना है? अब पहुंचो आगे प्रायोगिक लब्धि तक, माने जो बात चर्चा में सुनी है उसे चर्चा से ऊपर उठाकर चर्या में लाओ। चर्चा मात्र से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती जब तक चर्या ना हो। भोजन की कितनी चर्चा करें कि पेट भर जाए। अरे साहब चर्चा भी मजा आ रहा है अपने को, तो होता है ना ऐसा। बहुत से लोग होते हैं जिनको खाने पीने के शौकीन होते हैं ना, उनको खाने पीने की चर्चा में मजा आता है, डॉक्टर हाथी जैसे है? क्यों भाई है ना ऐसा, उनको खाने की बात करो कुछ भी तो मजा आने लग जाता है। तो ये जो मजा आ रहा है ये चर्चा में जो मजा आ रहा है, तो आपको भी आता होगा ना कभी ऐसा मजा, मनपसंद चीज बनने वाली हो, आने वाली हो, कुछ बनने है थाली में आने वाली हो तो मजा आ जाता है अपने को। खूब उसके तो चर्चा करो, उसमें मजा आता है, क्या गजब चीज होती है। अब क्या करें बोलो, कब तक चर्चा करते रहेंगे पेट भर जाए? चर्चा ही करते रहो अकेले, अकेले चर्चा ही करते रहो, काम नहीं चलेगा जब तक वो चर्या का विषय नहीं बनेगा। तो फिर साहब चर्चा किसी काम की नहीं है, चर्या होनी चाहिए। कि सुनो, बिना चर्चा के चर्या होगी भी नहीं क्या, इसलिए चर्या में आने के पहले चर्चा भी जरूरी है। चर्चा के बिना चर्या नहीं होगी, और चर्चा में अटकने से भी चर्या नहीं होगी।
ये चर्या आत्मस्वरूप में रमणता के लिए, इस प्रसंग में बात कर रहे हैं अपन, तो आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं, तो आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में कितनी चर्चा करें कि आत्मा का अनुभव हो जाए, बोलो। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, बस इस बात को दोहराते दोहराते प्रसन्न होते रहो, जिसकी चर्चा ही सुंदर है, जिसकी चर्चा ही सुंदर है, कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। अरे कितना सुंदर होगा से क्या काम चलेगा, वो कितना सुंदर है उसका अनुभव कर, तब आनंद आएगा। सब अंग पढ़े नौ पूर्व रटे, कितनी चर्चा हो रही है उसमें, सारे अंगों में 11 अंग और 9 पूर्व तक बहुत चर्चाएं चल रही है, बहुत चर्चाएं चल रही है, द्वादश अंग की चर्चाएं, समय सार की भी हो रही है, नियम सार की भी हो रही है, परमात्म प्रकाश की भी हो रही है, योग सार, द्रव्य संग्रह, सब सब चर्चाएं चल रही है अंदर में, है वस्तु स्वरूप के बारे में। सब अंग पढ़े नौ पूर्व रटे, पर उसका भाव नहीं जाने, स्वाद नहीं आए उसका तो क्या होगा। एक तरफ तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, और दूसरी तरफ त्रियंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर जावे। त्रियंच गति का है, शेर का जीव है, मेंढक का जीव है, भेड़ का जीव है, बकरी का जीव है, हिरण का जीव है, बोलो आप, सब मिलते हैं प्रसंग इस तरह के, क्योंकि हाथी को सम्यक दर्शन हो गया, उसको हो गया, उनको हो जाता है, अपने को नहीं होता है। क्या हो गया है, हमने चर्चा में आनंद मान लिया, और चर्चा में आनंद मानना कोई गलत नहीं था, लेकिन आनंद मान करके उसमें संतुष्ट हो गए, क्या उसमें संतुष्ट हो गए तो आगे बढ़ने का काम रुक गया। अब जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा उसे आत्मा की अनुभूति कैसे होगी, माने आत्मा की अनुभूति के लिए हमें चर्चा से ऊपर उठना पड़ेगा। खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो, और चर्चा करने के बाद में जिस निर्णय पर पहुंचो, उस निर्णय के बाद अनुभूति तक पहुंचोगे आप। वो विधि क्या है, उस विधि की चर्चा करेंगे, आगे आएगी चर्चा, कैसा होता है, कैसी तरंगे उठती है, क्या रोमांच होता है, ये सब चर्चा लिखी है इन्होंने, यहाँ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इधर लिखी है, देखो आगे सामने पेज पर लिखा है, सामने आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है, ये सब शब्द लिखे सामने वाले पेज पर, इधर दूसरी लाइन है, मन से थोड़ी ना कहते हैं कोई भी बात। देखो यहाँ वापस आ जाओ 342 पेज पर, स्व पर वेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। अपने और पराये के वेद विज्ञान के साथ में जो तत्वार्थ श्रद्धान होगा वही सच्चा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं आगे, तथा ऐसा सम्यक्त्वी, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक्त्वी होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोक्षम रूप हुआ मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, तो पास्ट की बात कर रहे हैं। सम्यक्त्वी होने के पहले क्या होता था, सम्यक दर्शन होने के पहले जो कोई भी ज्ञान था हमारा, वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता था, अभी भी इंद्रियों के माध्यम से ही प्रवृत्ति करेगा, लेकिन अभी ये कह रहे हैं जो इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से जो क्षयोक्षम ज्ञान था, उस मिथ्यात्व दशा में वो सब ज्ञान कुमति कहलाता था और कुश्रुत कहलाता था। कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है, सबका ज्ञान है, क्योंकि मिथ्या दर्शन साथ में है, शास्त्र ज्ञान भी, आपने सात तत्वों के नाम याद करे, ये भी ये कुमति कुश्रुत के अंतर्गत जाएगा। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा तो मत कहो, शास्त्र ज्ञान को तो शास्त्र ज्ञान को मिथ्या ज्ञान तो मत कहो, कम से कम हम तो इसमें हम तो बार बार में ये चीज सुनाते रहते हैं, बार बार में याद करते रहते हैं, हम तो इसी में लगे रहते हैं, इसी के अभ्यास में हम तो गाथाएं याद करने में लग रहे हैं, सातवीं में क्या कहा है और आठवीं में क्या कहा है और चौदहवीं में क्या बात कह दी है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद कर दिया, ये व्यवहार सातवीं में कह दिया,
और आत्मा में ज्ञान दर्शन चरित्र आदि का भेद नहीं है। ऐसा जो शुद्ध स्वरूप है अभेद अखंड आत्मा की बात, उसे निश्चय कहा, ऐसा निश्चय से आत्मा का स्वरूप कहा। तो ये सब निश्चय व्यवहार की चर्चाएं खूब याद भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, और तुम कह रहे हो कि मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिथ्या दर्शन साथ में है। इसलिए देखो भाई, हम शास्त्र ज्ञान को मिथ्या नहीं कह रहे, मिथ्यात्व के साथ में होने की वजह से कह रहे हैं मिथ्या। समझने वाली बात है, मिथ्यात्व साथ में होगा तो मिथ्या कहलाएगा। अब कह रहे हैं कुमति कुशरूप हो रहा था, अब वही ज्ञान आपको, वही गाथा जो आपको याद है उसी गाथा को कह देंगे सम्यक ज्ञान। आपको जो सात तत्वों के नाम याद है उसी को कह देंगे सम्यक ज्ञान। क्या बात कर रहे हो साहब, दो मिनट पहले आपने इसको कहा था कि मिथ्या ज्ञान है और आप कह रहे हो यही सम्यक ज्ञान है। बात ही समझ में नहीं आ रही। ऐसा समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपने सात तत्व के नाम याद किए, आपने छह द्रव्य के नाम याद किए, आपने तीर्थंकरों के नाम याद किए, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा शास्त्र में और जो कुछ भी पढ़ा मिथ्या दर्शन था, तो हमने कह दिया तुम्हारा सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अब दूसरी बात, अब कह रहे हैं आपको सम्यक दर्शन जिस जीव को हो गया, जो सम्यक की हो गया, अब उस जीव को वो पहले पढ़े हुए, अभी तक मिथ्या दृष्टि था और अब पांच मिनट बाद में उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो जब पांच मिनट बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो अब बताओ अब क्या पोजिशन है? अब उसके ज्ञान में क्या हुआ होगा? कोई नई चीज याद नहीं की है, सात तत्वों के वही नाम, छह द्रव्यों के वही नाम, वही देवचंद गुरु, और उन सबको क्या कह दिया? बोले सच्चा। अरे राव क्या बात कर रहे हो आप, नहीं जहर मिला नहीं क्या? मिथ्या दर्शन की वजह से ऐसा कहा जा रहा है, माने समझ लो आप ऐसा कहेंगे इसको, इस तरह की बात कहेंगे हम कि सम्यक दर्शन की जब तक सील नहीं लगे तब तक वो ज्ञान सच्चा नाम प्राप्त नहीं करता। क्या वो जो कॉपी है, जेरोक्स कॉपी जो है, भले ही उसमें सारे नंबर जो हों वो वैसे के वैसे ही हों क्या, लेकिन यदि वो अटेस्टेड नहीं है तो वो मार्कशीट क्योंकि कोई कीमत नहीं है। वो हो सकता है आप ऐसे ले जाओ और वो सुने ही नहीं सामने वाला व्यक्ति, और ज्यादा बहस करो तो उसको लेकर के फाड़ करके वो कचरे में डाल दे, कुछ नहीं है, कचरा है, किसी काम की नहीं। और आप उसी को ले जाओ और बाहर ले जा करके और वो सील लगवा करके ले आओ, क्या कि अब क्या हुआ? अब सच्ची हो गई, ट्रू कॉपी। क्या 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 कहते हैं? तो अब तक झूठी थी, एक भी तो नंबर नहीं बदला उसमें, एक नंबर भी कम ज्यादा नहीं हुआ, कोई नाम नहीं बदला, एज नहीं बदली, डेट नहीं बदली, कुछ नहीं बदला, सब कुछ एडिटेड है, पहले झूठा और बाद में सच्चा। पहले वाले को झूठा मतलब उसको सच्चा नहीं कहते, बस इतना समझ लो, झूठा कह रहे हैं ऐसा तो मत कहो आप क्या, लेकिन सच्चा नहीं कहते उसको, प्रामाणिक नहीं कहते उसको, प्रमाणित नहीं है ना वो। तो सम्यक दर्शन की जब तक मोहर न लगे तब तक आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। ये ज्ञान सम्यक कब कहलाएगा? जब सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान सच्चा, और सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान सच्चा नहीं है। न केवल ज्ञान में, चारित्र में भी यही बात लगती है, चारित्र में भी यही बात लगती है, तब निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप वापस ख्याल में आता है। मैं पूजन कर रहा हूं सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र, बोलो। पांच अणुव्रतों का पालन कर रहा हूं, महाव्रतों का पालन कर रहा हूं, सम्यक चारित्र के मिथ्या चारित्र, अणुव्रतों महाव्रतों का पालन तो कह रहे हैं कि अंदर में यदि भेद विज्ञान हो, अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो, अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो, तो बाहर में अणुव्रत और महाव्रत आदि सच्चे आचरण कहलाएंगे, सम्यक चारित्र के अंतर्गत हम उन्हें शामिल करेंगे। बोलो, सबको पता लगता है अंदर में, जिसको होता है ना सबको पता लगता है, खुद की खुद को पता लगती है, हम कितने पानी में हमें पता है, हमारे अंदर में क्या चल रहा है ये हमें पता है। दूसरे को जान के करना क्या है आपको, दूसरे से क्या मतलब?
अब बोलो, अब यदि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंदर में ना हो तो बाहर में इन सब प्रवृत्तियों को चारित्र कहें कि नहीं कहें, अणुव्रत महाव्रत आदि के चारित्र है या नहीं है? नहीं है। आश्रम अधिकार में रखा हुआ स्वामी आचार्य ने अणुव्रत महाव्रत आदि की चर्चा सातवें अध्याय में की तत्वार सूत्र में। क्या हो गई साहब यहां बात सम्यक ज्ञान के संदर्भ में? कैसी बात कह रहे हैं? वापस पढ़ो जल्दी से। तथा ऐसा सम्यक्त्वी होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। अब इसको थोड़ा सा अटपटी बातें करके देख लो आप, उटपटांग बातें। सम्यक दृष्टि जीव का बिजनेस संबंधी ज्ञान हो, अकाउंट संबंधी ज्ञान हो, वो भी सब सम्यक ज्ञान। और मिथ्या दृष्टि जीव का शास्त्र ज्ञान हो, वो भी मिथ्या ज्ञान। आपका दिमाग खराब हो गया, आप उटपटांग बातें कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। शास्त्र ज्ञान को तो कह रहे हो मिथ्या ज्ञान, और व्यापार रोजगार के घर गृहस्थी के उन सब के ज्ञान को कह रहे हो सम्यक ज्ञान। क्या उल्टी उल्टी बातें करते हो? क्या इस मार्ग वाले ऐसी ही बातें कर? जो जो इस मार्ग पे चलते हैं ना, क्या वो ऐसी बातें करते? सच्चे मार्ग पर चलने वाले लोगों की बातें तो ऐसी होती है, ज्ञानियों की बातें अज्ञानियों के समझ में नहीं आती। क्या ज्ञानियों की बातें अज्ञानियों को अटपटी लगती है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से देखता है, अंदर की गहराई में उतर करके बात करे तो यथार्थ बातें हैं, सच्ची बातें हैं, या अनुभव की गहराई से निकली हुई बातें हैं। सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्योंकि भेद विज्ञान सहित है। सब कुछ करता हुआ भी, खाता पीता नहाता धोता कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी क्रिया कर रहा है, कुछ भी जान रहा है, सब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अंतर्गत शामिल होगा। और मिथ्या दृष्टि जीव कुछ भी कर ले, कुछ भी करे, उससे क्या होगा? बोले झूठा है, मिथ्या चारित्र। कई जगह पर बनेगी इस तरह की परिस्थिति, आप लौकिक में देखेंगे तो सब जगह पर समझ में आएगी, वो करे तो सही और हम करें तो झूठ। ऐसा होता है सब, बिल्कुल ऐसा ही चलता है। माने बैंकों में नहीं चल रहा है आजकल ऐसा, खुद के अकाउंट में खुद जमा कराओ तो ठीक, और दूसरा जमा कराए तो गलत, नहीं करा सकता। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है, तेरा ये करें तो सही और ये करें तो गलत, कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मानो। अब और दूसरी तरह की बात समझो, लेवल से बात देखी जाती है, किसका लेवल कैसा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का ऐसा लेवल है कि वो जो कुछ भी करता है वो सब सही है, और मिथ्या दृष्टि जीव का ऐसा लेवल है कि वो जो कुछ भी करता है सब गलत। शराबी व्यक्ति सही रास्ता भी बताए तो भी विश्वास योग्य नहीं है, और सूट बूट में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, सरल सज्जन दिखने वाला व्यक्ति, गलती से गलत रास्ता भी बता देवे तो भी सही लगता है। ऐसा ही स्वरूप है भाई, ये मिथ्या दृष्टि शराबियों जैसे है, भरोसा करने लायक नहीं है। सम्यक दृष्टियों की सब बात भरोसे लायक है, वो विश्वास लायक है, अंदर में श्रद्धान पूर्वक कहता है, वो झूठी बात नहीं कहता, सेठ वचन प्रमाणम ऐसी बात है। तो मिथ्यात्म दशा में कुमति कुश्रुत तो हो रहा था, वही ज्ञान जो कुमति था, जो कुश्रुत था, वही ज्ञान, ज्ञान नहीं बदला है, ज्ञान नहीं बदला है, मोहर लगी है अकेले, माने नॉलेज में कोई फर्क नहीं है। जितनी नॉलेज मिथ्यात्व अवस्था में थी, सम्यक हो जाने के बाद में उसकी नॉलेज नहीं बढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। तो सम्यक दर्शन हो गया बिना नॉलेज बढ़े हुए, सम्यक दृष्टि हो गया फिर भी नॉलेज नहीं बढ़ी। हाँ भाई साहब बात ऐसी ही है, इसलिए सुनना, मार्मिक बात कहता हूं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए
ज्ञान का बढ़ाना जरूरी नहीं है, ज्ञान की निर्मलता जरूरी है। जितना ज्ञान आपके पास में है उतने ज्ञान से काम हो सकता है, ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में मत उलझो, ये ज्ञान सम्यक कैसे हो ये प्रयास करो। समझ में आ रही है बात? जो जीव ऐसा प्रयास करते हैं वे जीव निश्चित रूप से मोक्ष मार्गी हो जाते हैं, और जिनको ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन होता है उनके अंदर में आत्मा की अनुभूति भी होती है, और जैसी आत्मा की अनुभूति सम्यक दृष्टि यानी जीवों के जीवन में होती होगी वैसी आत्मा की अनुभूति हमारे जीवन में भी हो सकती है। लेकिन उस अनुभूति को प्रकट करने की विधि क्या है उसकी चर्चा आगामी प्रकरणों में करेंगे। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं।